आज एक इतफाक़ी हादसा हुआ एमओ कॉलोनी में। अचानक एमएलए साहब इत्तला दिए कि एमओ कॉलोनी में आँच लगी बोलकर, तो मैं मेरे इब्तदाई सदर मोहतमुद्दीन फौरी यहाँ पहुँच के फायर को बुलाए और फायर स्टेशन से गाड़ी निकली, मगर अंदर गलियाँ होने की वजह से फायर स्टेशन की गाड़ी आँच बुझाए तक के मुकाम पर नहीं आ सकी। इसलिए आजू बाजू के लोग वहाँ पे पानी दिए, तो मेरे इब्तदाई सदर मोहतमुद्दीन और बस्ती के बुजुर्गों और नौजवानों ने मिल के आँच बुझा दी है। अल्लाह का बहुत बड़ा ये करम है कि किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है। और ये जो आँच लगी है वेस्टेज ला के पूरा जमा करने की वजह से हो रही है। मैं GHMC के ऑफिसर्स को बोलना चाहता हूँ कि ये जो कचरा ला कर यहाँ जमा कर रहे हैं, कुछ गोदाम बनाए हुए है, उन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए और उनके ऊपर केस बुक करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। ये रेसिडेंट एरिया है, कोई बिजनेस एरिया नहीं है। यहाँ पर लाकर वेस्टेज जमा कर कर बेच रहे हैं ये। जिसके जो भी ओनर है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अपने कारोबारों को करते हुए लोगों की जान की परवाह नहीं कर कर कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे ओनर्स के ऊपर केस बुक होना चाहिए। मैं हमारे CI साहब को भी बोलता हूँ कि जो ओनर है और जो कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त केस होना चाहिए, क्योंकि रबर और ये प्लास्टिक का गोदाम के ऐसा कचरा जमा कर रहे हैं। जब एक ही तेज़ी में आँच लग रही थी, मैं यहाँ के बस्ती के नौजवान और बुज़ुर्गों ने और मेरे इब्तदाई सदर मोहतमुद्दीन सब मिलकर बुझाए। सोशल मीडिया पे भी मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन लोग फ़ौरन एरिया PS को और फायर को इन लोगों भी इत्तला दिए, हमारे इब्तदाई सदर लोग भी फायर को इत्तला दिए, मगर गाड़ी अंदर तक नहीं आ सकी। इसलिए कि रोड छोटे होने की वजह से गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। मगर ये एमओ कॉलोनी किशनबाग एमओ कॉलोनी है, ये नदी के बैक साइड में इलीगल कंस्ट्रक्शन करके गोदाम बनाए हैं लोग, तो GHMC को आके देखना चाहिए ये गोदाम के ऊपर, और इसके जो ओनर है इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनके कारोबार अलग चीज़ है। मैं लोगों की जान एक बार अगर चले जाएंगी तो जान नहीं मिलती, कारोबार कहीं भी कर सकते हैं लोग। मैं फिर एक बार ओनर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खाली कर देना चाहिए, उनके लिए भी अच्छा रहता, पब्लिक के लिए भी अच्छा रहता। आज छोटी सी इस पर हादसा बच गया, अगर कल आँच लग जाती दिन रात का टाइम रहता तो आजू बाजू आबादी है, जानी नुकसान भी हो सकता था। फायर इंजन आने से पहले, पब्लिक आने से पहले कुछ ऐसा देखा गया कि मजलिस के जो यहाँ के सदर है वो लोग आग में गिरते गिरते वो हो गए आग बुझाने की चक्कर। अहमद भाई अहमद हमारे अहमद सदर है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने MLA साहब को इत्तला दिए, MLA साहब मेरे को इत्तला दिए, मैं आया। मैं अहमद भाई का और दीगर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जमात खुद हमेशा मुसीबत के टाइम रहकर काम करती है। तो मेरे इब्तदाई सदर का मैं खास तौर पे फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बड़ी गाड़ी नहीं आई, अब छोटी गाड़ी आ रही है। इंशाल्लाह ताला छोटी गाड़ी से अपने को सहूलत हो जाएंगी। बड़ी गाड़ी रोडा छोटे होने की वजह से नहीं आई थी, फिर छोटी गाड़ी को कॉल करके बुलाया गया। अब छोटी गाड़ी आप देखिए पीछे छोटी गाड़ी आ रही है, और छोटी गाड़ी से बुझा लेंगे।